खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ये तस्वीर देखिए, संजय दत्त पत्नी मान्यता के साथ पहुंचे वोट डालने के लिए। बहन प्रिया दत्त उम्मीदवार है उत्तर मध्य मुंबई से। प्रिया दत्त के साथ प्रचार में भी संजय दत्त को हमने देखा और अब वोट डालने के लिए पत्नी मान्यता दत्त के साथ संजय दत्त को देख सकते हैं। वोट डालकर जब बाहर आए स्याही लगी उंगली दिखाते हुए कैमरास को और इंस्पायर करते हुए आम लोगों को कि भाई निकलिए घर से बाहर, अगर आपके इलाके में आज वोटिंग का दिन है तो फिर अपनी जिम्मेदारी को निभाइए आप। देखिए मुंबई से जो आंकड़ा आ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है वोटिंग प्रतिशत का, क्योंकि 4 घंटे में महज 17% वोटिंग ही हुई है। मुंबई की 6 लोकसभा सीटें और ऐसे में कुछ मुंबईकर जो इस आशंका को पहले ही जाहिर कर चुके हैं, सैटरडे संडे, आज मंडे इलेक्शन की वजह से छुट्टी, कल ट्यूजडे अगर छोड़ दिया जाए तो परसों फिर 1 मई को मेडे की छुट्टी हो जाती है और ऐसे में इस लॉन्ग वीकेंड की वजह से क्या मुंबईकर मौज मस्ती के मूड में ज्यादा आ गए हैं, इस वजह से वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ पा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए, कैसे सितारे तो ड्यूटी पर हैं और जनता लग रहा है छुट्टी के मूड में। बच्चन परिवार, रोशन परिवार, दत्त परिवार, देओल परिवार सब पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग होनी है तो निकलिए अपने घर से बाहर, निभाइए अपनी जिम्मेदारी और हाँ, वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली के साथ सेल्फी जरूर लीजिए और उसे एबीपी न्यूज पर हमें भेजिए #KBPMselfie के साथ। हम आपकी तस्वीर जैसे इन सितारों की तस्वीर देख रहे हैं ना आप, वैसे ही एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। लगातार टेलीविजन के निचले हिस्से में आप देख भी सकते हैं वो लोग जिन्होंने अब तक #KBMselfie के साथ अपनी तस्वीरें हमें भेजी हैं, उनकी तस्वीर लगातार एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। हमारी जो वेबसाइट है वहां पर भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।